अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एट होम। मे दिस वीडियो फाइंड्स इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स। सो कल हम लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क लेयर्स को डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने देखा कि हमारे पास 5 लेयर्स होती हैं और जो हर लेयर जो है वो एक से ज़्यादा काम कर सकती है, स्पेसिफिक काम को डील करती है। और हमारे इसके लिए हमने एग्जांपल ली थी, हमारे पास कौन सी एग्जांपल हो सकती है कि जैसे आप लेटर एक प्रिंट करवाते हैं या एक लेटर आप पोस्ट करते हैं, तो उसमें जो जो आपके पास फेजेस आते हैं या उस प्रोसीजर के दौरान जितने स्टेप्स आते हैं वो वैसे ही स्टेप्स हैं जैसे आप कोई इंटरनेट के ऊपर फॉलो करते हैं। सेम प्रोसीजर चलता है लेकिन उसके आपके पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, आप जब आप पोस्टल के थ्रू भेजते हैं तो उसमें आप पोस्ट सर्विस जो है वो इंक्लूड होती है, आप लेटर जो है एक हार्ड फॉर्मेट में भेजते हैं। और जब आप ऑनलाइन भेजने की कोशिश करते हैं तो आपके पास इंटेंजिबल फॉर्मेट डाटा होता है और वो मोबाइल या कंप्यूटर के थ्रू सेंड होता है। ठीक है, अब आपके पास क्या है कि इसमें हमारे पास 5 फेजेस थी कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल में, जिनमें हमारे पास सबसे पहली थी एप्लीकेशन लेयर, फिर उसके बाद हमारे पास थी ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर उसके बाद हमारे पास डाटा लिंक लेयर और फिर फिज़िकल लेयर। फिज़िकल लेयर कंप्यूटर के नज़दीक होती है जबकि एप्लीकेशन लेयर यूज़र के नज़दीक होती है। ठीक है, हर लेयर का स्पेसिफिक टास्क था। इसके बाद बेटा हमारे पास आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है प्रोटोकॉल्स। व्हाट आर प्रोटोकॉल्स इन TCP/IP सूट? TCP/IP सूट में प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? हमने पढ़ा था कि सूट का मतलब ये है कि इसमें एक से ज़्यादा प्रोटोकॉल मौजूद हैं और उन प्रोटोकॉल से मिल के ये एक चीज़ बनी है जो वजूद में आई है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या है, ईच लेयर ऑफ TCP/IP मॉडल हैज़ इट्स ओन प्रोटोकॉल। एवरी प्रोटोकॉल इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं इनका मकसद किसी ना किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना है। ठीक है, सम ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स आर डिस्कस्ड बिलो। अब हमारे पास यहाँ पर है FTP प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ द स्टैंडर्ड TCP/IP प्रोटोकॉल विच इज़ यूज फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्राम वन कंप्यूटर टू अनदर। FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि एक फाइल को दूसरे सिस्टम के ऊपर भेजने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब क्या है इसका मकसद क्या है कि अगर आपने सिक्योरली एक फाइल को दूसरे सिस्टम पर पहुँचाना है तो उसके लिए जो रूल इस्तेमाल होगा उसको FTP कहेंगे। इफ़ यू वॉन्ट टू ट्रांसफ़र अ डॉक्यूमेंट फाइल टू अ रिमोट कंप्यूटर दैन वी कैन यूज़ दिस प्रोटोकॉल एज शोन इन फिगर। अच्छा, अब आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ FTP, तो FTP में बेटा आपने ये डायग्राम बनानी है। शॉर्ट क्वेश्चन आए या लॉन्ग क्वेश्चन आए, आप ये डायग्राम बनाना कुछ मुश्किल नहीं है, आप इसको ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद हमारे पास है HTTP। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। दिस प्रोटोकॉल इज़ यूज बाय द वर्ल्ड वाइड वेब WWW टू ट्रांसफ़र पेजेस वेब पेजेस बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ वेब सर्वर। अब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आप लोगों ने अक्सर अपनी वेबसाइट्स को देखा भी होगा, जब आप खोलते हैं या आपको कोई लिंक वगैरह होता है तो उसमें HTTP लिखा होता है, तो उस HTTP का मतलब ये होता है कि ये प्रोटोकॉल इस वेबसाइट को कवर कर रहा है और ये जो वेबसाइट है ये इस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग आपके पास पहुँचाई जा रही है। ठीक है, इस रूल को फॉलो कर रही है ताकि आप इन पेजेस को चेक कर सकें। ओके, आपने अक्सर देखा होगा HTTP लिखा होता है या HTTPS लिखा होता है, तो HTTPS जिस पे लिखा होता है वो सिक्योर होती है, HTTP सिक्योर होती है, मतलब कोई भी उसको अनऑथोराइज्ड एसोसिएशन या अथॉरिटी जो भी है वो उसको एक्सेस नहीं कर पाती। ठीक है, अब बेसिकली ये जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है ये क्या करता है, वर्ल्ड वेब के ऊपर, वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर, जैसे अब एक सर्वर है वेब सर्वर और क्लाइंट की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये एक्चुअली करता क्या है, आपकी बेटा जो भी वेबसाइट्स होती हैं, जो भी ये गूगल है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ये सारी किसी ना किसी सर्वर पर पड़ी हैं। ठीक है, अब सर्वर आप यही समझ लें कि हर कंपनी का, या जैसे गूगल है, फेसबुक है, हर गूगल कंपनी या हर फेसबुक की जो कंपनी है, इन सब के अपने अपने सर्वर्स होते हैं। ये ऐसे ही है जैसे किसी के पास अपना स्टोर रूम होता है, ठीक है, और अपना सारा का सारा वो जो माल है वो लोग अपने स्टोर रूम में रखते हैं। तो गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, ये जितनी भी वेबसाइट आपको शो होती हैं, इन सब का डाटा सर्वर के ऊपर पड़ा होता है। मींस इन सब की कंपनीज में अपने अपने कंप्यूटर्स होते हैं जिन कंप्यूटर्स के ऊपर ये डाटा सेव होता है। आप कुछ भी सर्च करते हैं आपको उससे मुतलिक इन्फॉर्मेशन शो हो जाती है, तो वो इन्फॉर्मेशन कहीं पर तो स्टोर्ड है ना जो आपको नज़र आ रही है। मेरी बात समझ आ रही है? अब क्लाइंट क्या है, क्लाइंट एक कोई भी यूज़र हो सकता है।
ठीक है, जैसे मैं हूँ, आप हैं, या दुनिया में कोई भी और बंदा है जो उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे मैं या आप जाते हैं, हम लोग गूगल पर जाकर कुछ भी सर्च करते हैं या यूट्यूब पर जाकर कोई वीडियो सर्च करते हैं, अब उस वीडियो को कहीं ना कहीं मौजूद होना चाहिए ना जो हमें स्क्रीन पर नज़र आए। मेरी बात समझ आ रही है? अगर आपके क्लास में, अगर आपके स्कूल में किसी बच्चे को ढूंढना हो तो हम क्या करते हैं कि उस बच्चे का नेम और उसकी क्लास नेम बताते हैं। अगर वो क्लास में ना हो तो पूरे स्कूल में चेक करते हैं, और अगर ना मिले तो हम कहते हैं कि ये बच्चा स्कूल में है ही नहीं है। इट मीन्स अगर किसी बच्चे को ढूंढ रहे हैं तो उसको स्कूल में एग्जिस्ट करना चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप लोग किसी पेज को, किसी वीडियो को, किसी इंफॉर्मेशन को सर्च कर रहे हैं नेट के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं सेव होगी, तभी आपको नज़र आएगी। तो ये जो कंपनीज़ होती हैं, जिन कंपनीज़ के थ्रू हम सर्चिंग करते हैं, ये अपना डाटा किसी ना किसी सर्वर पर सेव रखती हैं। जब आप उस स्पेसिफिक डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो HTTP ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या करता है, आपके दरमियान और उस सर्वर के दरमियान, उस कंपनी के सर्वर के दरमियान लिंक जो है वो क्रिएट करता है। अब वो लिंक क्रिएट कर क्या करता है कि अगर आपने आपका आप अपने कंप्यूटर से, मोबाइल से अगर उसको सर्च करने की कोशिश करें, तो HTTP का काम क्या है कि वो सर्वर से उस डाटा को उठाकर आपके कंप्यूटर के ऊपर शो करवाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? अ वेब सर्वर इज़ आल्सो कॉल्ड अ HTTP सर्वर। ये जो वेब के सर्वर होते हैं, हम इनको HTTP सर्वर भी कहते हैं। वी यूज़ दिस प्रोटोकॉल वाइल ब्राउजिंग इंटरनेट फॉर सिक्योर डाटा ट्रांसफ़र, वी यूज़ HTTPS। समझ आई कि जब हम इंटरनेट के ऊपर ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, ब्राउजिंग का मतलब होता है सर्च करना, चीज़ों को ढूंढना, जब हम उनको सर्च कर रहे होते हैं तो हम HTTP को इस्तेमाल करते हैं, और सिक्योर ब्राउजिंग के लिए, सिक्योर ट्रांसफ़र के लिए हम HTTPS को यूज़ करते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास SMTP। आप सब लोगों ने गूगल मेल का नाम सुना होगा, जी मेल का नाम सुना होगा, जी मेल हो जाए हमारे पास, या आपके पास आउटलुक है, इसका नाम आपने सुना होगा, याहू का नाम सुना होगा। गो के याहू अब पुरानी होगी, लेकिन अभी भी इट्स इन द मार्केट। ओके, SMTP क्या है? ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है, अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह मेल भेजनी है तो इस प्रोटोकॉल के मुताबिक आप मेल भेज सकते हैं। ये प्रोटोकॉल इस बात की गारंटी देता है कि आपकी मेल आप जहाँ पर भेजना चाहते हैं वहाँ पर सक्सेसफुली पहुँच गई है। ठीक है, तो बेटा आज आपका काम ये है कि आपने TCP/IP प्रोटोकॉल को बहुत अच्छे से लर्न करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन भी और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी। बोर्ड में आने के इसके बहुत चांसेस हैं, तो इसको मार्क कर लें। ये सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं, FTP, HTTP और SMTP, ये अलग अलग एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं और अलग अलग एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इनको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके ओके क्लास, अपना भी ध्यान रखें और अपने से जुड़े लोगों का भी। अल्लाह हाफिज़।